हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक जिया गार्डनिंग। आज हम फिर से हाजिर हैं कुछ नई क्रिएटिविटी लेके, वो भी वेस्ट बॉटल के साथ। तो आज मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स थी, वो भी अलग अलग बॉटल थी, तो आज इन्हीं से मैं कुछ अपने गार्डन के लिए क्यूट से प्लांटर जो है वो रेडी करूँगी। तो मैं वैसे ही वेस्ट मटीरियल से बहुत सारे प्लांटर जो है वो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं पिछले, तो प्लीज़ देखना उसको और देखना मैंने किस तरीके से वेस्ट मटीरियल को अपने गार्डन में यूज़ किया है। तो आज जो मैं अपनी गार्डन में जो प्लांटर बना रही थी, तो ये इन बॉटल से बना रही थी, क्योंकि ये सारी बॉटल जो होती वो अलग अलग थी। कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, कोई शरबत की बॉटल थी, कोई पानी की बॉटल थी। तो इन्हीं से आज जो मैं अपने गार्डन के लिए प्लांटर जो है वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से मार्क कर लूँगी, सभी बॉटल्स को मैं इसी तरीके से काटूँगी। तो जैसे मैं अभी ये मार्क कर रही हूँ, अभी इसी तरीके से मैं इसको काट लूँगी। तो इस तरीके से मार्क लगाने के बाद इसकी कटिंग जो है वो मैं कर लूँगी और क्यूट से प्लांटर जो है वो हम रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे से इसको काट लेंगे, क्योंकि पानी की बॉटल है ये काफ़ी पतली होती है, तो इसको आराम से मैं काट रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐसे आगे पीछे हो गए तो ये बड़ी जल्दी से कट जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया था और इस तरीके से मैंने सारी बॉटल जो है वो काटनी है। फिर उसके बाद इसमें क्यूट क्यूट से एनिमल फेसेस जो है वो मैं बनाऊंगी और वो देखने में बड़े प्यारे लगेंगे। तो इस तरीके से सारे जो भी बॉटल्स हैं मैंने सेम इसी तरीके से बनाकर और क्यूट से फेसेस जो है वो उन पर बनाकर इनको कलर भी मैंने करना है। तो इस तरीके से करने के बाद इसकी कटिंग करिए और इस तरीके से आप लोगों ने वेस्ट बॉटल को अपने गार्डन में यूज़ करना है। कटिंग करने के बाद अब मैं इस पे पेंट जो है वो कर लूंगी। ये कलर है एक्रिलिक कलर, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कलर होते हैं और ये धूप पानी में भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बॉटल पे मैंने इस तरीके से वाइट कलर कर लिया था, और जो भी नेक्स्ट अभी मैं कटिंग करूँगी बॉटल का, सेम वैसे ही सारी बॉटल्स को मैं काटूँगी और उन पे कलर कर लूँगी। इसी तरह से ये बॉटल को भी मैं ऐसे ही काट लूँगी जैसे मैंने पहली वाली बॉटल काटी थी, और इस पे भी क्यूट सा फेस बनाकर कलर कर दूँगी। और इसी तरीके से मैंने सारी बॉटल जो है वो काट लेनी है। आप लोग भी इस तरीके से वेस्ट बॉटल को अपने गार्डन में यूज़ करिए और अपने गार्डन को नया लुक जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके के क्यूट क्यूट प्लांटर बनाकर आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, और साथ में वेस्ट मटीरियल भी जो है हमारा रिसाइकिल हो जाएगा और हमारे न्यू प्लांटर जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे, जो भी हमने खुद डिज़ाइन करने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करने है। और फिर मैंने इसमें भी जो था वो कलर कर लिया था, इसी तरीके से मैंने सारी बॉटल्स को जो है वो काट कर कलर कर लेना है। इसी तरह से सारी बॉटल्स को मैंने अच्छे से काट कर अच्छे से जो भी मैंने फेसेस बनाना होगा तो वो बना लिया था इस तरीके से, और कलर भी कर लिया था और इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ड्राई होने के बाद ही मैं नेक्स्ट काम करूँगी और इनके जो भी फीचर्स जो बनाना चाहूँ, जो भी एनिमल की शेप बनाना चाहूँ वो बना सकती हूँ। तो इस तरीके से सारे सूखने के बाद मैं इनके क्यूट क्यूट फेसेस जो वो बना लूँगी। ये मेरा क्यूट सा प्लांटर जो था वो रेडी हो चुका था। आप लोग भी जैसे चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्लांटर को। तो मैंने ये इतना सा सिंपल सा डिज़ाइन डालकर एक प्लांटर जो था वो रेडी कर लिया था। इस तरह से सारे जो भी प्लांटर है मेरे पास अपने डिज़ाइन कर लूँगी, जैसे आप लोग डिज़ाइन करना चाहें वैसे डिज़ाइन कर लें, और जो भी एनिमल बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से वेस्ट मटीरियल को यूज़ करिए अपने गार्डन में, और अपने गार्डन के लिए न्यू प्लांटर जो है वो खुद ही अपने डिज़ाइन करिए। तो वैसे भी मैंने बॉटल्स के
साथ बहुत सारे प्लांटर जो हैं वो बनाए हैं। आप लोग ज़रूर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखना जिसमें मैंने सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल जब वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया हुआ है और अपने गार्डन में सारा वेस्ट मटेरियल ही ज़्यादातर मैंने लगाया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो सारे प्लांटर मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। इस तरह से सारी बॉटल्स पे मैंने क्यूट क्यूट फेसेस बनाकर ये अपने प्लांटर जो थे वो रेडी कर लिए थे। फिर इनमें मिट्टी डाल के मैंने कटिंग वाले प्लांट्स जो थे वो लगा दिए थे। जब ये हिलते हैं तो हिलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये कितने प्यारे हिलते हुए प्लांटर जो है वो मैंने रेडी कर लिए थे। आप लोग भी इस तरीके से वेस्ट मटीरियल को अपने गार्डन में यूज़ करिए और अपने गार्डन में नया लुक जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी क्रिएटिविटी करके डिज़ाइन करके अपने प्लांटर जो है वो आप लोग रेडी कर सकते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से। और ये आप लोग जितना भी देख रहे हैं सारा मेरा वेस्ट मटेरियल है, बस मैंने इनको थोड़ा सा क्रिएटिव करके इनको कलर करके थोड़ा सा अच्छे बना लिए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को अपने गार्डन में यूज़ करिए। आई होप आप लोगों को आज का ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।